asalaamu alaikum viewers and welcome to my channel study law with bushra so in today's video we are going to discuss the topic of land revenue act which is mutation mutation ko Urdu mein kehte hai, intikal. mutation is explained under section 42 of west pakistan land revenue act 1967 but before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. And don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. If we look into the meaning of mutation, so mutation simply means transfer of property from one person to another person's name. यानी कि एक पंदे से जो दूसरे पंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन इंतकाल म्यूटेशन का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो लिटरली म्यूटेशन प्रोसेस ऑफ चेंज और अल्ट्रेशन तब्दीली का जो अमल है जो अल्ट्रेशन का प्रोसेस है अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन लिटरली अगर हम इसका मीनिंग देखें तो अब हमने लिटरली और सिंपल वर्ड्स में तो इसका मीनिंग देख लिया अब लीगल मीनिंग क्या है म्यूटेशन का सो लीगली म्यूटेशन मीन्स चेंज और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द रिकॉर्ड ऑफ लोकल म्युनसिपल बॉडी फॉर द कंसर्न प्रॉपर्टी यानी के लोकल म्युनिसिपल बॉडी के रिकॉर्ड में जो हमारे पास टाइटल का चेंज आता है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को टाइटल ट्रांसफर होता है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि कंसर्न प्रॉपर्टी है तो उसको हम कहते हैं वो क्या है म्यूटेशन यानी कि सिंपली हम कहें तो ट्रांसफर से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ट्रांसफरी को उसको हम कहते हैं म्यूटेशन सेलर से बायर को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एक बंदे से दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो उसको हम कहते हैं वो क्या है म्यूटेशन है अब जैसे ही म्युनिसिपल बॉडी के रिकॉर्ड में वो चेंज ऑफ टाइटल आया तो न्यू ऑनर के पास क्या आ जाती है प्रॉपर्टी अब उस नए मालिक के पास आ जाती है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है सिंपली द न्यू ऑनर गेट्स द प्रॉपर्टी इन हिज ऑन नेम अब हम चलते हैं म्यूटेशन की डेफिनेशन की तरफ हाउ यू विल डिफाइन म्यूटेशन सो म्यूटेशन को सिंपली इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस तरह से डिफाइन किया गया है

उसको हम कहते हैं वो क्या है वो म्यूटेशन है अब जैसे ही ये म्यूटेशन हुई तो फिर क्या हुआ बाय म्यूटेटिंग द प्रॉपर्टी इन हिज ऑन नेम अब जैसे ही म्यूटेशन हुई तो न्यू ऑनर को प्रॉपर्टी उसके नाम पर मिल गई अब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या हुआ वो न्यू ऑनर रजिस्टर्ड हो गया और अब गवर्नमेंट इस काबिल है कि वो राइटफुल ऑनर यानी कि वो न्यू ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी से टैक्सेस की कलेक्शन करे अब ये तो हो गई डेफिनेशन उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है वट इज दर्पज ऑफ म्यूटेशन म्यूटेशन क्यों करते हैं इसका मकसद क्या है सो देर आर टू बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग म्यूटेशन नंबर वन फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट इज टू कीप रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए म्यूटेशन की जाती है एंड सेकेंडली गवर्नमेंट मस्ट नो अबाउट द राइटफुल फुल ऑनर ऑफ द लैंड गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि राइटफुल फुल ऑनर कौन है रियल ऑनर कौन है जिससे टैक्सेस की कलेक्शन हो जिससे हम लैंड का टैक्स कलेक्ट कर सकें तो गवर्नमेंट के राइटफुल फुल ऑनर का पता होने के लिए भी म्यूटेशन जरूरी है उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है what is the significance of mutation why mutation is significant why it is important ab mutation ke kuch points mein hum iski significance ko dekhte hain sabse pehle to kya hua ki real owner ke jo rights hain wo protect ho jate hain the rights of the real owner are protected ठीक है यानी कि अब कोई दूसरा बंदा आकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जमीन मेरी है क्योंकि उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर होगी म्यूटेशन होगी Secondly फॉर द रिकवरी ऑफ एरियज ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि उस पर जितनी भी बकाया जात है उस प्रॉपर्टी पर उसको जो है कलेक्ट करने के लिए उसकी रिकवरी के लिए भी म्यूटेशन सिग्निफिकेंट है थर्ड इसका पर्पस क्या है फॉर कीपिंग दी अप टू डेट रिकॉर्ड प्रॉपरली यानी कि अप टू डेट रिकॉर्ड पीरियडिक रिकॉर्ड इसका रखें कि वक्त के साथ साथ इसमें किस किस्म किस्म की चेंजेज आई हैं वो हम प्रॉपरली अप टू डेट रिकॉर्ड रख सकें उसके बाद आता है फॉर पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी रेवेन्यू अथॉरिटी सो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसमें हमने म्यूटेशन की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर दिया है उसके बाद अब हम चलते हैं म्यूटेशन के प्रोसेस की तरफ कि म्यूटेशन किस तरह से होती है म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है सो so, सिंपली क्या होता है कि जब एक बंदा अपने नाम पर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है जब प्रॉपर्टी की एक्विजिशन होती है तो वो बंदा जाता है और वो पटवारी को इन्फॉर्म करता है तीन महीने के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी की एक्विजिशन के बारे में अब जैसे ही पटवारी को इन्फॉर्म करेगा वो बंदा अब आगे पटवारी का क्या काम है कि वो अपनी डेली डायरी या जिसको हम रोज नामचा कहते हैं वो विद इन वन वीक इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा इस प्रॉपर्टी की एक्विजिशन से रिलेटेड अब जैसे ही उसने रिपोर्ट तैयार की तो वो इसकी कॉपीज बना के फर्दर आगे अथॉरिटीज uh, को भेजेगा अब पहली कॉपी वो किसको भेजेगा द फर्स्ट कॉपी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी यानी कि जो बंदा है जिसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वो कॉपी भेजेगा अपनी रिपोर्ट की सेकंड कॉपी वो भेजेगा यूनियन काउंसिल एंड द टाउन कमेटी ऑफ दैट एरिया सेकंड कॉपी किसको भेजेगा यूनियन काउंसिल को भेजेगा एंड थर्ड कॉपी विल बी सेंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार ऑफ दैट एरिया रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार को वो एक कॉपी भेजेगा यानी कि तीन कॉपीज उसने भेजनी है पहली तो वो जिस बंदे ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है ट्रांसफरी को सेकेंडली वो यूनियन काउंसिल को भेजेगा और थर्डली वो रेवेन्यू ऑफिसर को भेजेगा नाउ आफ्टर रिसीविंग द कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट तहसीलदार हैज़ टू कंप्लीट द प्रोसेस इन थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स के अंदर अंदर तहसीलदार की ये ड्यूटी है कि वो इस प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन को कंप्लीट करेगा अब क्या होगा तो फिर वो क्या करेगा थ्री मंथ्स के अंदर अंदर वो उस प्रॉपर्टी की लोकेशन को विजिट करेगा यानी जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो उस जगह पर जाएगा उसके साथ साथ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ठीक है दोनों जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं और जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं वो दोनों बंदे भी प्रेजेंट होंगे उसके साथ साथ जो हमारा पटवारी है जिसने रिपोर्ट तैयार की थी वो भी वहां पर मौजूद होगा और इसके साथ साथ दो गवाह भी मौजूद होंगे उस प्रॉपर्टी की लोकेशन पर टू विटनेसेस विल आल्सो बी क्लियर उसके बाद क्या होगा एक ओपन असेंबली की कंडक्शन होगी ठीक है प्रॉपरली एक बाकायदा उस प्रोसेस का आगाज किया जाएगा तो कैसे होगा ये प्रॉपर्टी की म्यूटेशन किस तरह से होगी फर्दर उस इलाके का कौंसिलर या कोई भी रिस्पेक्टेड मेंबर वो क्या करेगा वो उन मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करेगा जो गवाहान आए हैं वो उनकी कन्फर्मेशन uh, करेगा वो उनकी गवाही देगा उन मेंबर्स की उसके बाद क्या होगा अब जैसे ही कन्फर्मेशन हुई आइडेंटिफिकेशन हुई उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर इशू किया जाएगा और वो प्रॉपर ऑर्डर कौन इशू करेगा वो हमारा तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर एक प्रॉपर ऑर्डर इशू करेगा और जैसे ही ऑर्डर इशू होगा तो उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी और अब जो लैंड टैक्स की कलेक्शन होगी वो किस से होगी बायर से होगी ट्रांसफरी से होगी अब लैंड टैक्स कौन पे करेगा हमारा ट्रांसफरी जो है वो लैंड टैक्स पे करेगा जैसे ही प्रॉपर ऑर्डर इशू होगा तो अब गवर्नमेंट इज एबल टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम दैट राइट फुल ऑनर फ्रॉम ट्रांसफर्ड अब वो क्या बन गया वो रियल ऑनर बन गया अब ये तो नॉर्मल सिचुएशन आ गई अब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब पटवारी हेजिटेट करता है या वो इनकार कर देता है एंट्री करने से रिपोर्ट बनाने से तो उस सूरत में क्या होगा अगर वो प्रॉपर्टी को एंटर करने से रिफ्यूज कर रहा है तो वो इस बात को एक वीक के अंदर अंदर उस ट्रांसफरी को बताएगा कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड एंटर नहीं कर रहा तो फिर ट्रांसफरी क्या करेगा वो एक रिपोर्ट भेजेगा एक रिटर्न रिपोर्ट भेजेगा उस इलाके के कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर को और साथ ही साथ यूनियन कौंसिल के नाजिम को ठीक है एक तो आर को भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर को एंड सेकेंडली नाजिम ऑफ दोनों को एक रिटर्न और रजिस्टर्ड रिपोर्ट भेजेगा अब जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को ये रिपोर्ट मौसू होगी रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा रीचेक करेगा तमाम एंट्रीज को और अगर उसको लगता है कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है ये इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या करेगा ही विल ही हिमसेल्फ विल एंट्रीज एंट्रीज वो उन की खुद अटेस्टेशन करेगा और तीन महीने के अंदर अंदर वो ऑर्डर इशू कर देगा और अगर वो तीन महीने के अंदर अंदर ऑर्डर इशू ना कर सका किसी भी वजह से तो वो बाकायदा रीजंस भी बताएगा कि उसने तीन महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर इशू क्यों नहीं किया अब कुछ ऐसी सिचुएशन um, है हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस बता दी गई हैं जहाँ पर आपको तीन महीने का वेट नहीं करना पड़ता फॉर दी प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपका काम हो जाता है अब वो कौन सी सिचुएशंस है नंबर वन अगर आपने प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की है बाय दी इनहेरिटेंस व्हेन यू हैव एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस देन यू डोंट नीड टू वेट फॉर दी थ्री मंथ्स सेकेंडली इफ यू हैव एक्वायर दी प्रॉपर्टी बाई दी कोर्ट डिग्री यानी कि कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर कर दी है कोर्ट ने बाकायदा डिक्री दे दी है दट यू आर द रियल ऑनर ऑफ दी प्रॉपर्टी तो तब भी आपको तीन महीने का वेट नहीं करना पड़ता इस सूरत में क्या होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आप रजिस्ट्रार को इस चीज की रिपोर्ट सेंड करते हैं और रजिस्ट्रार फिर आगे से क्या करता है वो बाकायदा उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है फर्दर प्रोसेस की कंप्लीशन होती है बाय अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो म्यूटेशन की फी है वो कौन फिक्स करेगा वो उस इलाके का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी जो है वो म्यूटेशन की फी के बारे में बताएगा कि कितनी फी है म्यूटेशन के प्रोसेस के लिए सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग